मेरा नमस्कार। तो फ्रेंड कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ और आज बनाने जा रही हूँ मैं धनिए प्याज लहसुन की चटनी। और ये देखिए मैं इस तरीके से चटनी बनाती हूँ और मेरी 4-5 दिन चल जाती है, क्योंकि जब गर्मियों में तो चटनी अच्छी लगती है, सर्दियों में चटनी अच्छी नहीं लगती, ठंडी ठंडी सी लगती है तो खाने का मन नहीं करता है, और गर्मी स्टार्ट होते ही चटनी का अपने आप से ही मन होने लगता है। और मैं बना रही हूँ चटनी और बना रही हूँ आज पुलाव पनीर डाल के। तो देखिए कैसे बनाती हूँ मैं, बहुत इजी तरीका रहता है। और ये देखिए मैंने चटनी के लिए धनिया, हरी मिर्च, लहसुन, प्याज सब कुछ काट लिया है। बस मुझे थोड़ी सी काली मिर्च भी पीसनी थी, क्योंकि मैं चाय बिना काली मिर्च के पीती नहीं हूँ, तो वो भी पीसनी थी। तो मैंने कहा चलो इसीलिए छोटे जार का फिर इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि हमेशा अक्सर ऐसा ही होता है कि जब भी मुझे कुछ काम करना होता है तो छोटे जार का ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो फिर मैं इसी में ही चटनी भी पीस लेती हूँ। तो बस ये था कि 1-2 दिन से ख़त्म ही हो रही थी, और अदरक की चाय मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। और इसमें मैं पीस ले रही हूँ आपका काली मिर्च, और ये काली मिर्च तो बस एक बार और करती हूँ, अच्छे से पीस जाती है, बिल्कुल करारी है। आजकल सिल जो चीज़ सिली हुई होती है ना, उसको उस तरह से पीसने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन जो करारी होती है उसको पीसने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती, और बहुत अच्छे से मतलब पीस के बढ़िया हो गई है देखिए। और इसको मैं कर लेती हूँ डिब्बे में, और इसको करके इस बाद में इसमें चटनी वगैरह पीसती हूँ। ये देखिए इसको जो है सारा मतलब निकाल लेती हूँ। अब इसमें होता ना एक बेनिफिट ही हो जाता है कि थोड़ा बहुत अगर लग भी जाए या तो वेस्ट नहीं होती है। तो बस मैं मिर्च तोड़ रही थी तो कुछ सूख साग भी गई थी मिर्च, तो मैंने कहा सारो सभी के सब मिर्च वगैरह इसमें यूज हो जाएगी, क्योंकि चटनी चटपटी ही अच्छी लगती है। तो सारी मिर्च मैं इसमें डाल रही थी, कुछ ताज़ी थी, कुछ मतलब पहले की रखी हुई थी, तो मैंने कहा सारी चलो इसमें यूज हो जाएंगी। और इसमें काट इन चीज़ों को मैं पहले पीस रही थी, क्योंकि थोड़ा सा ना इनको पीसने में टाइम ज़्यादा लगता है। और ये डाल दिया मैंने इसमें लहसुन और ये प्याज, तो उसके बाद जो है ना मैं धनिया बाद में ही डालूंगी, और मैं नमक मिर्च वगैरह भी हिसाब से ही डालती हूँ, और खटाई तो मैं तब भी डालती हूँ चटनी में जब जो है अच्छे से मतलब वो हो जाए खाने के लिए, हम उसको मतलब यूज करें, पहले डाल के नहीं रखती। देखिए चटनी हो गई है तैयार, इसमें मैंने फटाफट से धनिया भी डाल दिया था, और ये चटनी भी तैयार हो गई है, क्योंकि बहुत टाइम आप लोगों के साथ मेरा फिर लग जाता है, फिर आप लोग भी बोर होने लगते हैं। तो फटाफट से हो गया है सारा काम, नमक मिर्च वगैरह सब अपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डलता है, सभी को मालूम है, सबको चटनी बनानी आती है हाँ बस ये कि थोड़ा सा तरीका थोड़ा सा चेंज होता है। बस इसमें मैं थोड़ा सा नमक मिर्च और डाल दूंगी, क्योंकि मैं उसमें डालना भूल गई थी, ध्यान नहीं रहा था मुझे, तो थोड़ा सा जो मतलब कोई चीज़ ऐसी हो जो नहीं पिसी हुई है, कुछ प्याज वगैरह के टुकड़े थे जो पिसे नहीं है, तो मैंने उसमें डाल के फिर दोबारा से इसमें नमक मिर्च डाल के फिर इसको एक बार घुमा लेती हूँ। बस चटनी तैयार है, और फिर करते हैं हम चावल, मैंने भिगो रखे हैं, और चावल भिगो रखे हैं तो पुलाव बनाने में टाइम भी नहीं लगने का, क्योंकि मुझे तो पुलाव बहुत ही कम पसंद है, लेकिन चटनी वगैरह होती है ना तो उसके साथ मैं भी खा लेती हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है। बेटा ले आया था दही, तो दिखा रहा था आपको, कैमरे में ही दिखा रहा था कि दही लाया हूँ। ये देखिए ये लेकर आया है चीनी हो गई थी ख़त्म, तो चीनी भी ले आया और दही भी लेके आया, मैंने कहा मुझे थोड़ी सी मलाई में भी जमन लगाना है, और बेटा को अगर मतलब ना चटनी पसंद नहीं आएगी तो वो दही डालेगा उसमें चावल वगैरह में, तो बस मैंने उससे मंगवा ली थी, क्योंकि अभी जमाना स्टार्ट नहीं किया है, एक दो बार जमाया था तो ठंड सी हो गई थी, फिर ठंड में ना हम लोगों को नुकसान कर दिया। तो ये देखिए अब सब इसमें नमक मिर्च वगैरह सब कुछ डाल दिया है, और जब खाने के लिए मैं निकालूंगी ना, जब भी चटनी थोड़ी सी जितनी भी मुझे निकालनी है, तो उसी टाइम मैं नींबू डालती हूँ, तभी मतलब काफ़ी टाइम तक हम इसको फिर रख सकते हैं स्टोर करके। और नींबू डाल के रखना फिर पता या तो फिर जल्दी ख़त्म, पता नहीं मुझे आदत भी नहीं है, मैं तभी यूज करती हूँ। और ये देखिए यहाँ पर कर लेती हूँ थोड़ी सी सफाई, और मेरी मिक्सी ना इसे भी काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन आपको दिख रही है ना बिल्कुल नई सी, बस यही है कि अगर मैं थोड़ा सा भी इसको यूज करती हूँ किसी भी काम के लिए तो तुरंत इसकी सफाई करती हूँ, और ये बहुत ही चमचमाती रहती है। तो देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना, साफ़ सुथरी बिल्कुल, कहीं इस पर कोई निशान नहीं मिल सकता आपको। और ये जो क्लीनर है ये मैंने घर पर ही बनाया हुआ है, मैंने आपके साथ कई बार इसको शेयर किया है कि मेरे प्लेटफॉर्म को भी साफ़ करने ये काम आता है, मेरे टाइल्स को भी साफ़ करने, मतलब ये सभी के लिए ऑलराउंड
है कि मतलब सभी के लिए ही ये मतलब काम आता है, और बहुत अच्छे से इससे सफाई भी हो जाती है। और ये देखिए पूरी मिक्सी मेरी अच्छे से साफ हो गई है, कहीं पर कोई अगर हम लोग छोड़ देते हैं ना कि हम बाद में कर लेंगे, तो बाद में फिर वही गड़बड़ हो जाती है कि हम भूल जाते हैं और फिर उसमें धब्बे जो लग जाते हैं तो फिर वो साफ़ नहीं होते हैं। और फिर इसमें तो आप समझ ही सकते हैं कि एक बार अगर कोई चीज़ गंदी हो जाती है तो फिर उसको साफ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जहाँ जहाँ चटनी वगैरह के हाथ लग जाते हैं किसी भी, क्योंकि मिक्सी है उस टाइम पर एकदम तो है नहीं कि हम बिल्कुल साफ़ हाथ करके यूज करेंगे, कुछ ना कुछ गंदे हाथ लग ही जाते हैं। और ये देखिए पूरी की पूरी मिक्सी साफ़ हो गई है अच्छे से। और जार तो वगैरह हमारे धुलते रहते हैं, लेकिन हम इस चीज़ को बॉडी उसकी नहीं धो सकते हैं ना, तो इसी चक्कर में बस ये मेरी मिक्सी हो गई तैयार, साफ़ सुथरी हो गई। इसे मैं रख देती हूँ और बनाती हूँ खाने की तैयारी। ये मैंने पुलाव छोंक लिया, पुलाव तो मैंने आपके साथ कई बार शेयर किया है। और ये देखिए ये है पनीर, इसमें से कुछ पनीर मैंने अभी बचा लिया था, मैंने कहा वो कल की, क्योंकि बेटा ये जीरे वाला पनीर है तो उसको बेटा वैसे भी खा लेता है, तो मैंने कहा थोड़ा डाल के देखती हूँ इसमें। और उसमें डालना मुझे पुलाव में डालना सही नहीं लगता, थोड़ा सा मैं इसको भून के ना इसी तरीके से डाल देती हूँ। तो मैंने इस कढ़ाई में थोड़ा सा घी रखा हुआ था देसी, और इसी में ही ये पनीर डाल दिया था। और ये देखिए थोड़ा सा जायका चेंज हो जाता है ना, हम लोग खाना खाते हैं तो खाना अगर हम लोग थोड़ा सा चेंज करके खा लेते हैं तो थोड़ा सा जायका चेंज हो जाता है। बस इसमें ना थोड़ा सा मैंने कहा इसको धीमी आँच में इसको भून लेती हूँ। और यहाँ पर भी पुलाव भी तैयार, मतलब सीटी दे, एक सीटी और आनी है इसमें, एक सीटी इसमें आ चुकी है, और एक सीटी आते ही मैं कर दूँगी इसे बंद। बस यहाँ पर कर लेती हूँ थोड़ी बहुत सफाई, क्योंकि चटनी भी तैयार हो चुकी है और फैल जाता है ना सामान सभी चीज़ों का, जब हम कोई चीज़ बनाते हैं या करते हैं तो सामान बहुत सारा फैल जाता है, बर्तन भी फैलते हैं। तो यहाँ चटनी तैयार थी, यहाँ पे पुलाव भी तैयार हो रहा है, और इसी तरीके से हमारी दिनचर्या चलती है, सुबह दोपहर शाम खाना बनाओ ये करो वो करो, बस सब चलता ही रहता है। तो यहाँ पर पनीर भी मतलब अच्छे से भुन गया था, और क्योंकि मुझे भुना ही पनीर अच्छा लगता है, वैसे ही डाल दो ना तो वो अच्छा सा नहीं लगता है। और यहाँ पुलाव हो चुका था तैयार, तो देखिए कैसा बना है, बहुत ही फर्स्ट क्लास लग रहा है देखने में, जीरा डाला हुआ। कि आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा कि हम लोग जीरा ज़्यादा यूज करते हैं, तो बेटे को दे रही थी तो थोड़ा सा जीरे का मतलब, अब तो उसको भी बहुत अच्छा लगने लगा। पहले शुरू शुरू में बहुत टोका पिटी करता था क्योंकि मैं इतना सारा जीरा डाल देती हूँ मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब नहीं डालती हूँ ना तो बोलता मुझे क्यों नहीं देती हूँ जीरा, मुझे भी अच्छा लगता है। तो बस यही था, और अब इसके ऊपर डाल देती हूँ मैं, इतना ज़्यादा पनीर नहीं है कि मैं सारे चावलों में उसको मिला लूँ, तो बस इस तरीके से ही मतलब थोड़ा सा जब हम लोग जितना जितना हम लोग खाएंगे उसी हिसाब से उसमें मिला दूँगी तो अच्छा भी लगेगा और जो है और सही भी रहेगा। बस बेटे के लिए लगा रही थी थाली, तो मैंने कहा चलो आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो जिस जिसको भूख लगी है आ जाइए फ्रेंड्स, आज बनाए हैं मैंने पुलाव, किस चीज़ का, आलू डाल के पुलाव बनाए हैं, और इसमें जो पनीर है उसको जो है तल के डाल दिया है, तो बहुत ही टेस्टी बना था, क्योंकि एडिटिंग बाद में कर रही हूँ तो वाकई में ही टेस्टी बना था और बहुत अच्छा बना था। तो बेटा मजाक भी कर रहा था कि मुझसे कि मम्मी जब आप बना के नहीं बनाती हो आपसे गलती से अच्छा बन जाता है तो कोई काम हम करके देखते हैं ना तो बस उसका यही रहता है। और जब मैंने बेटे से बोला कि टेस्ट करके बताओ कैसा है, तो देखिए क्या बोलता है ये, क्योंकि तो आवाज़ टीवी की थी इसलिए मुझे म्यूट करनी पड़ी, तो बोल रहा था वेरी बैड बोल रहा था वेरी बैड, और फिर बोल रहा था ओके बहुत अच्छा बना है, और खुश हो गया वो। बस यही होता है कि हम लोग मेहनत करते हैं और बच्चे उसको खुश होके खा लेते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये लगा ली है मैंने अपनी प्लेट, इसमें मैंने लगाई है, इसमें डाली है मैंने चटनी भी। तो कैसा लगा आज का व्लॉग बताइएगा ज़रूर, और आ जाइए आप लोग भी खाने के लिए, और भी मिलते हैं कल नए प्लेट।